ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 18 पढ़ रहे थे। नार्तोर बलेर अयम उरुक्रम पाद शौचम आप शिका धृतवतो विबुधारिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतम रते न चिकीर्षदन्यत् आत्मानम अंग मनसा हरे भिमेने। ट्रांसलेशन। बलि महाराज हु पुट ऑन हिज हेड द वाटर वॉश फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बिसाइड्स हिज प्रॉमिस इन स्पाइट ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय स्पिरिचुअल मास्टर। द किंग डेडिकेटेड हिज ओन पर्सनल बॉडी टू फुलफिल द मेजरमेंट ऑफ द लॉर्ड्स थर्ड स्टेप। For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by his strength, was of no value. तो ये श्लोक में और पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी वामन देव के अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं और बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि हर बार जब भगवान का अवतार होता है अपने भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये जो पिछले श्लोक में हमने देखा द प्रीवियस अवतार, भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए हरि के रूप में आते हैं, तो वैसे ही भगवान बलि के साथ आदान प्रदान करने के लिए वामन देव के रूप में आते हैं। और ये बलि महाराज अपने सर पे भगवान का चरण कमल और चरणामृत धारण करते हैं। और हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बोला था वामन देव को 3 पद जमीन मत दो, ये धोखा देने के लिए आए हैं, चल देने के लिए आए हैं, पर बलि महाराज ने उनका गुरु का सुना नहीं और भगवान को शरणागत हुए। और इतना महान था उनका शरणागत की भाव, 2 पद से भगवान ने तीनों जगत को लांग लिया, माप लिया, और जो तीसरा पद है रखने के लिए जगह नहीं, तो बलि महाराज बोलते हैं मेरे सर पे रखिए, मतलब पूरा दे दिया आत्मनिवेदन, अपने आप को भी दे दिया भगवान को। तो ऐसा जो महान व्यक्ति है बलि महाराज, जिन्होंने भगवान के लिए इतना समर्पित किया है, तो उनको इतना प्रेम का अनुभूति होगा, उनके लिए स्वर्ग का जो उनका स्वयं का जो शक्ति से उन्होंने स्वर्ग पाया था इसका भी कुछ मूल्य नहीं है, नो वैल्यू। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों का गुणगान, जब भक्तों को भगवान की कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है, तो भक्त सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को जो श्राप मिलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि परीक्षित का ऑलरेडी ट्रेनिंग था भगवान की भक्ति में, तुरंत एक क्षण में सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए, श्रवण कीर्तन करने के लिए बैठ गया। सो दिस इज अ डिवोटी, उनको पता है सबसे मूल्यवान चीज़ भगवान की भक्ति है और भगवान का सेवा है। तो ये जब सेवा का अवसर आता है भक्त तुरंत स्वीकार करते हैं और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे रामायण में लक्ष्मण, हाँ, भगवान रामचंद्र के छोटे भाई, हालांकि दशरथ महाराज और कैकेयी ने भगवान राम को बोला था 14 साल वन जाने के लिए, पर लक्ष्मण भी तैयार हो गए, अयोध्या का फैसिलिटी सब कुछ छोड़ दिया,
क्योंकि लक्ष्मण को लगा जहाँ पे राम है वहाँ पे मेरे लिए अयोध्या है, सब कुछ है, तो इसलिए उन्होंने कंफर्ट सब फैसिलिटी छोड़ा और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर थे, ईगर। तो ये बलि महाराज की महानता है, एक क्षण भी सोचा नहीं उन्होंने, मैंने इतने कष्ट से स्वर्ग प्राप्त किया फिर से मिलेगा कि नहीं, तुरंत अवसर मिला भगवान को शरणागत हो गए। परपोट, बलि महाराज बाय गेनिंग द ट्रांसेंडेंटल फेवर ऑफ द लॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर दिस ग्रेट मटीरियल सैक्रिफाइस वॉज एबल टू हैव अ प्लेस इन वैकुंठ विथ इक्वल और ग्रेटर फैसिलिटीज ऑफ इटर्नल एन्जॉयमेंट। तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में भी बोला था, बाय गिविंग एवरीथिंग टू द कॉज ऑफ द लॉर्ड नो वन लूजेस एनीथिंग, भगवान को जो देता है कभी खोता नहीं है, उसके अपेक्षा से ज़्यादा पाता है। तो इसलिए बलि महाराज ने भगवान का कृपा, भगवान का जो ये फेवर है वो पाया था, और इन एक्सचेंज फॉर मटीरियल गेन, इन एक्सचेंज फॉर मटीरियल सैक्रिफाइस। तो ये भौतिक दुनिया में कुछ भी चीज़ हमारे पास रहने वाला नहीं है, सब टेम्पररी है। तो बुद्धिमता क्या है, ये टेम्पररी चीज़ को एक्सचेंज करो, जैसे एक्सचेंज ऑफर होता है ना, पुराना चीज़ को देख के नया चीज़ लेते हैं, राइट। तो ये एक्सचेंज ऑफर क्या है, हमारा जो टेम्पररी नश्वर शरीर है या भौतिक संपत्ति है वो भगवान की सेवा में लगाओ, इन रिटर्न क्या मिलेगा, इटर्नल प्लेस इन वैकुंठ, वैकुंठ धाम में शाश्वत जिंदगी है कि नहीं। ये बुद्धिमता का सौदा है, एक्सचेंज द टेम्पररी फॉर द परमानेंट। देयरफोर ही वॉज नॉट एट ऑल द लूजर बाय सैक्रिफाइसिंग द किंगडम ऑफ हेवन विच ही हैज पोजेस्ड बाय हिज मटीरियल स्ट्रेंथ। इसलिए बलि महाराज लूजर नहीं थे, हारे नहीं थे ये सौदा में, बलि महाराज ही जीते थे। हालांकि बाहर दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि वामन देव जीत गए, देवता जीत गए, उनको उनका राज्य मिल गया, और बलि महाराज हार गए, सब कुछ खो लिया। पर भगवान के भक्त कभी खोते नहीं है, कभी हारते नहीं है। बलि महाराज को ये जो स्वर्ग है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इन अदर वर्ड्स, प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, व्हेन द लॉर्ड स्नैचेस अवे वंस हार्ड अर्न मटीरियल पोजिशंस, व्हेन फेवर एंड फेवर्स वन विद हिज पर्सनल ट्रांसेंडेंटल सर्विस फॉर इटर्नल लाइफ ब्लिस एंड नॉलेज, सच टेकिंग अवे ऑफ द लॉर्ड शुड बी कंसिडर्ड अ स्पेशल फेवर अपॉन सच अ प्योर डिवोटी, यस्याहम अनुगृणामि हरिषे तद्दनम शनय। कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, मैं बहुत कृपा करता हूँ मेरे भक्तों को, भक्तों के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, जो उनका भौतिक आसक्ति है, भौतिक चीज़ है, वो निकाल देता हूँ, हरिषे तद्दनम शनय। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, व्हेन द लॉर्ड स्नैचेस अवे, जब भगवान छीन लेते हैं अपने हमारे से ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक चीज़ों को, तब क्या समझना चाहिए, ये भगवान की स्पेशल कृपा है, स्पेशल अनुग्रह है। इसलिए श्री प्रभुपाद, जब प्रभुपाद गृहस्थ थे, उनके पास एक लेबॉरेटरी था, केमिकल का दुकान था, जैसे मेडिसिन का दुकान होता है, बोस लेबॉरेटरीज करके, और उस समय बहुत फेमस हो रहा था प्रभुपाद का बिजनेस, अलग अलग इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में प्रभुपाद आउटलेट्स खोल रहे थे। बट सडनली सब कुछ कोलैप्स हो गया, एवरीथिंग मिट गया, सब कुछ। उस समय प्रभुपाद को ये श्लोक आया, याद आया, यस्याहम अनुगृणामि हरिषे तद्दनम शनय, बोले भगवान की बहुत कृपा है, भगवान मुझे भूले नहीं, इसलिए भगवान ने आसक्ति निकाल दिया, अभी मैं पूरे तरह से भगवान पे आश्रित होऊंगा। भागवतम में वही 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को अवंती ब्राह्मण की कहानी बताते हैं। अवंती ब्राह्मण बहुत रईस था, उसके पास बहुत धन था, पर क्योंकि बहुत रईस था वो थोड़ा कंजूस भी था, लोगों को धन नहीं देता था, मदद नहीं करता था, पर किसी कारणवश किसी ने उसके साथ चल किया और सब कुछ ले लिया, रास्ते पे आ गया अवंती ब्राह्मण। पर अवंती ब्राह्मण को पता चला कि ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अभी मैं पूर्ण रूप से भगवान को आश्रित हो सकता हूँ। मटीरियल पोजेशंस, हाउएवर अल्यूरिंग दे मे बी, कैन नॉट बी परमानेंट पोजेशंस। तो भौतिक जितना भी संपत्ति है हमारे पास, घर है, धन है, बंगला है, सब कुछ है, बहुत आकर्षित रहेगा, पर परमानेंट कभी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, वेरी अट्रैक्टिव बट नॉट परमानेंट। देयरफोर वन हैज टू वॉलंटरली गिव अप सच पोजीशंस, और वन हैज टू लीव सच पोजीशंस
एट द टाइम ऑफ क्विटिंग दिस मटीरियल बॉडी। तो हर एक व्यक्ति को वैराग्य तो प्राप्त करना ही है, छोड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आपके पास बंगला है, घर है, राज्य है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक है वॉलंटरली स्वयं के इच्छा से भगवान को अर्पण करो, नहीं तो वही भगवान काल के रूप में आके, मृत्यु के रूप में आके सब कुछ छीन लेंगे। मृत्यु सर्व हरश्च हम, मृत्यु के समय आके भगवान छीन लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद का एक वीडियो है, बहुत स्पेशल वीडियो। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में थोड़े वेरी इन्फ्लुएंशियल जेंटलमैन साइंटिस्ट के साथ बैठे हैं और प्रभुपाद डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, इफ़ यू डोंट वर्शिप कृष्णा, आपको कृष्णा पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, आप नास्तिक हो, चिंता मत करो, विश्वास होगा। जब वही भगवान मृत्यु के समय आएंगे मृत्यु के रूप में, तभी मानना पड़ेगा, गॉड इज देयर, दिस इज गॉड, है कि नहीं? तो इसलिए हमको एनीवे सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ लेके नहीं जा पाएंगे। वो महामोर की कहानी है ना, ये फेमस कहानी है। एक राजा था जो बहुत आसक्त था अपने राज्य के प्रति, धन के प्रति। एक साधु आके उसको बोलता है भगवान की भक्ति करो, तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो साधु बोलता है ठीक है, आप सुन नहीं रहे हो, मेरा एक फेवर करो, सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढो तुम्हारे राज्य में, उसके हाथ में एक डंडा दे दो और उसके राज्य भर घूमते रहने दो और उसको सैलरी दे दो महीने का तनख्वाह, बस इतना ही करो। राजा बोला यही कर सकता हूँ, भगवान की भक्ति नहीं करूँगा पर यह करूँगा। तो उसने एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लिया, इसका नाम रख लिया मूर्ख, और इसके हाथ में एक डंडा दे दिया, मूर्ख का डंडा, और बोले घूमते रहो, चिंता मत करो, सैलरी मिलता रहेगा। तो ऐसा समय बीतता गया और राजा मृत्यु के शैया पे आ गया, अभी मरने ही वाला है। तो अलग अलग लोगों को बुला के, जो भी उसकी सेवा किया है, उसके अलग अलग सर्वेंट्स को बुला के पैसे देता है, आपने बहुत सेवा किया मेरा। तो उसको लगता है अरे एक व्यक्ति रह गया, तो ये मूर्ख को बुलाता है और मूर्ख को बोलता है तुमने बहुत अच्छा सेवा किया, अभी ये सैलरी, खुश रहो। और बोलता है जाने से पहले तुम क्या करो, अभी तुम रिज़ाइन ले लो, रेजिग्नेशन ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, पर एक काम करो, ये जो डंडा है मूर्ख का डंडा, तुमसे महान मूर्ख के हाथ में दे दो। तो ये मूर्ख क्या करता है, ये डंडा राजा के हाथ में दे देता है। तो राजा को इतना क्रोध आता है, मैंने तुमको सैलरी दिया पर तुम मुझे महामूर्ख बोल रहे हो, मूर्ख से ज़्यादा महामूर्ख। तब ये मूर्ख व्यक्ति बोलता है देखो, तुमने इतना मेहनत किया पूरे ज़िंदगी भर ये धन कमाने के लिए, सुख समृद्धि कमाने के लिए, पर मृत्यु के समय तुम इसमें से किसी भी चीज़ को लेके नहीं जा पाओगे। तब ये राजा को समझ में आया कि ये मूर्ख नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, ये ज्ञानी है, वो साधु का शिष्य था ये मूर्ख। तो कहने का मतलब, हम जितना भी मेहनत करेंगे अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के जाना ही है। उससे अच्छा है जब भगवान देते हैं हमको, उस समय ही भगवान को अर्पित करना। एक बार एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण कुरमुरा, पफ्ड राइस कुरमुरा खरीद के जा रहा था वन के मार्ग से। सो जनरली ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति है, कुछ भी खाने से पहले भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। पर उसको इतना भूख लगा वन में, उसको लगा छोड़ो कौन देख रहा है, खा लेता हूँ कुरमुरा। जब वो खा रहा था, कुरमुरा बहुत हल्का होता है, एक हवा का झोंका आया, उसके हाथ से सब कुरमुरा उड़ गया। जब उड़ गया, वो बोलने लगा गोविंदम अर्पण मस्तु, गोविंद आपको अर्पण, हाथ से निकल गया, अभी अर्पण कर रहा है। जब हाथ में रहता है तभी अर्पण करके उसका मतलब है, जब निकल जाता है उसको भक्ति नहीं बोलते। तो अल्टीमेटली भगवान आके सब कुछ छीनने वाले ही हैं, समय काल मृत्यु आके छीनेगा, पर बुद्धिमत्ता है जब है चीज़ हमारे पास, उसको प्रेम से भगवान को अर्पण करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भी भगवान ने दिया है उसको प्रेम से भगवान को अर्पण करना, क्योंकि ये सब भगवान से ही आ रहा है कि नहीं? हमारे पास जो भी समृद्धि है, बंगला है, जो भी है, कौन दे रहा है? भगवान की कृपा, भगवान ही दे रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है प्रेम से फिर से भगवान को अर्पण करना। द सेम मैन नोज दैट ऑल मटीरियल पोजिशंस आर टेम्पररी एंड द बेस्ट यूज ऑफ सच पोजिशंस इज टू एंगेज देम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड सो दैट द लॉर्ड मे बी प्लीज विद हिम
एंड अवॉर्ड हिम अ परमानेंट प्लेस इन हिज परम धाम. तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये जो भौतिक समृद्धि है, धन है, ऐश्वर्य है, ये सब नश्वर है, टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं रहने वाला मेरे पास. इसलिए इसका उपयोग क्या है, जो भगवान ने दिया है उसको पूर्ण मात्रा में भगवान की सेवा में लगाना. तो पहले के राजा ऐसा हुआ करते थे. युधिष्ठिर महाराज हालांकि पूरे दुनिया के सम्राट, पर उनके राज्य का एक ही हेतु था, जो भी था अपने सुख सुविधा के लिए उपयोग नहीं किया, भगवान की सेवा में. जब भगवान देते हैं, जब हम उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, भगवान और देंगे और मृत्यु के बाद हमको परमानेंट प्लेस मिलेगा आध्यात्मिक जगत में. जैसे मैं कल बता रहा था मिस्टर सेट्टी की कहानी, वो भक्तों को मदद करते हैं, पूरा दिल डाल के, जान डाल के जुहू में हमारे मुंबई मंदिर में मंदिर बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए. तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम यहाँ पे थोड़ा कष्ट ले रहे हो, ये सब अर्पण कर रहे हैं भगवान को, भगवान तुम्हारे लिए घर ऑलरेडी बांध रहे हैं वहाँ पे, दैट इज़ अ परमानेंट प्लेस. तो हमको ये दुनिया में रहना नहीं है, हमको वहाँ पे जाना है, भगवत धाम. इसलिए जो भी भगवान हमको देते हैं भगवान की सेवा में उपयोग करना. यत करोषि यदस्तासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. भगवान गीता में बोलते हैं जो भी तुम कार्य करते हो, जो भी खाते हो, मुझे अर्पण करो. तो ये सिंपल चीज़ करने से हम परमानेंटली हैप्पी रहेंगे, ये दुनिया में भी खुश रहेंगे और अगली दुनिया में भी खुश रहेंगे. हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड हैप्पी इन दी नेक्स्ट लाइफ. इन भगवद गीता 15.56 द परम धाम ऑफ द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस. निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत् न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. तो भगवान बोलते हैं निर्माण मोहो जितसंग दोषो, जो अपने ये जो मान है ये मेरा है, मैं ये देश को चला रहा हूँ, मैं ये घर को चला रहा हूँ, मैं ये स्वामी हूँ, ये मोह को छोड़ना है. जितसंग दोष अध्यात्म नृत्य विनिवृत्य कामा, ये सब काम वासना को छोड़ के, ये जो द्वंद है वो छोड़ के भगवान की भक्ति करेगा ऐसा व्यक्ति को गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, वो परम पदम जो भगवान के वैकुंठ धाम है उसकी प्राप्ति होगी. और वो ये धाम कैसा है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम. ये जो भगवान का परम धाम है वहाँ पे सूरज की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमेशा प्रकाशमयी है. और ये धाम में जो भी जाएगा वापस लौट के नहीं आएगा. वन हु पजेसेस मोर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इन द शेप ऑफ हाउसेस लैंड चिल्ड्रन सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड वेल्थ पजेसेस दीज थिंग्स ओनली फॉर अ टाइम बीइंग. तो ये दुनिया में जो भी भगवान ने हमारे नसीब में लिखा है, ज़मीन हो, घर हो, पुत्र हो, दोस्त हो, धन हो, ये सब थोड़े ही समय के लिए है, वेरी टेम्पररी, ओनली फॉर द टाइम बीइंग. वन कैन नॉट पजेस ऑल दिस इल्यूजरी पैराफेनेलिया क्रिएटेड बाय माया परमानेंटली. आब्रम्भ स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम. तो केवलाष्टक में वर्णन आता है आब्रम्भ स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब माया का नगरी है. सर्वम मायामयम जगत, एवरीथिंग इज इल्यूजन. क्यों? क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. दुकालयम अशाश्वतम, हर एक चीज टेम्पररी है, नश्वर है. सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम, इसलिए एक ही चीज सत्य है, क्या है, हरि नाम. इसलिए व्यक्ति का जब मृत्यु होता है और कंधे पे लेके जाता है ना मृत शरीर को, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है कि नहीं, राम नाम सत्य है. लोगों को कब याद आता है राम नाम सत्य है, कोई मर गया तो याद आता है, पर यही सत्य है, बाकी जो कर रहे हैं वो सब मिथ्या ही है. सत्य भगवान का नाम है. सच अ पोजेसर इज मोर इल्यूजन इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन.
देयरफॉर वन शुड पोजेस लेस और नथिंग सो दैट वन मे बी फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल प्रेस्टीज। तो प्रभुपाद बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जब बहुत सारा चीज रहता है हमारे पास, सक्सेस मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, बंगला मिलता है, उसके साथ साथ घमंड भी आता है और हमको लगने लगता है ये परमानेंट चीज़ है, ये मेरा दुनिया है। तो ये सपने के दुनिया में हम जीते रहते हैं और असली दुनिया हम भूल जाते हैं। इसलिए सच अ पोजेसर बिकम्स इल्यूजनड इन अ मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसलिए जन्म ऐश्वर्य शुतर शिबिर एदमानम अदोपमान, कुंती महारानी बोलती है ये सब सुख समृद्धि होने से व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, है कि नहीं? क्यों? इतना सुखमय जिंदगी है, भक्ति क्यों करेगा? उसको लगता है वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ जाने की क्या जरूरत है, मैं तो वैकुंठ में ही हूँ, अपने प्रिजन हाउस को वैकुंठ समझ के बैठा है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में हमको समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आसक्त तो बनेंगे वो सब चीज़ों के प्रति। जितना ज़रूरत है उतना रुको और अहंकार से मुक्त होके नम्र होके भगवान को पुकारो। इसलिए कुंती महारानी बोलती है त्वाम अकिंचन गोचर, भगवान आपको कौन पुकार सकता है जो अपने आप को कंगाल समझता है, जो समझता है कि भगवान आपके भक्ति के बिना मेरे पास और कुछ धन नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवान को पुकार सकता है जिसको लग रहा है अरे मेरे पास तो बहुत सक्सेस है, मैंने तो बहुत सक्सेस पाया है, उसके साथ घमंड आता है और नम्रता से भगवान को बुला नहीं पाएगा। वी आर कंटामिनेटेड इन द मटीरियल वर्ल्ड बाई एसोसिएशन विद द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो ये भौतिक दुनिया में आके हमारे हृदय में बहुत कलमश आ गया है ये तीन गुणों के प्रभाव से, प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये सब कलमश आ गया है तीन गुणों के वजह से, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, वी आर ऑल कंटेमिनेटेड। देयरफॉर द मोर वन स्पिरिचुअली एडवांसेस बाय डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर दिस टेम्पररी पोजिशंस द मोर वन इज फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ मटीरियल इल्यूजन। तो इसलिए जितना हम प्रगति करते हैं उसका टेस्ट क्या है? टेस्ट है कि हमारा आसक्ति टूटेगा। श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते हैं अगर कोई कार आ है उसको बाहर से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? तुम ठीक हो रहे हो, या तुम जो खा रहे हो बहुत अच्छा, तुमने फर्स्ट क्लास खाया है, बाहर से किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने खाया है उसको स्वयं अनुभूति होगा संतुष्टि का, पुष्टि का, राइट? या कोई बीमार है उसका बीमारी ठीक हो रहा है, बाहर से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर घट रहा है मतलब ठीक है, यू आर बिकमिंग ओके, है कि नहीं? तो वैसे ही जितना हम एडवांस करते हैं भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक मार्ग में, उसका टेस्ट क्या है? हमारा भौतिक आसक्ति, ये जो भौतिक बीमारी है, धीरे धीरे घटता है। टू अचीव द स्टेज ऑफ लाइफ वन मस्ट बी फॉर्मली कन्विंस्ड अबाउट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एंड इट्स परमानेंट इफेक्ट्स। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए और वो स्तर पाने के लिए हमको कन्विक्शन होना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत है, भगवान है। अगर वही कन्विक्शन नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे, है कि नहीं? अगर कन्विक्शन ही नहीं है कि भगवान है, भगवत धाम है, तो भक्ति क्यों करेंगे? सो वी हैव टू बी कन्विंस्ड टू नो एग्जैक्टली द परमानेंसी ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। वन मस्ट वॉलंटरली प्रैक्टिस पोजेसिंग लेस और ओनली द मिनिमम टू मेंटेन वन्स मटेरियल एग्जिस्टेंस विदाउट डिफिकल्टी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक स्तर पाने के लिए, परमानेंट लाइफ पाने के लिए हमको क्या करना है? ये जो टेम्पररी चीज़ें हैं उसको कम करना है, या जितना ज़रूरत हमारे ज़िंदगी के लिए उतना ही होना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं। टू मेंटेन वन मेंटल एग्जिस्टेंस विदाउट डिफिकल्टी, बहुत प्रयास। प्रभुपाद इसको उग्र कर्म बोलते थे। उग्र कर्म का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा प्रयास करना, गधे की तरह प्रयास करना। तो व्यक्ति को अपना घर का, शरीर का पालन पोषण करने के लिए 8 घंटा 9 घंटा मैक्सिमम बस काम करने के लिए, उससे ज़्यादा करेगा 12 घंटा 13 घंटा 16 घंटा तो ये ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर आर्टिफिशियल नीड्स। तो पूरा समय हमारा घर परिवार चलाने के लिए जाएगा,
पालन पोषण के लिए भक्ति कब करेंगे। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम था कि जो नीड्स हैं उसको कम करो। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त हैं बॉम्बे के, महाप्रभु प्रभु, बहुत सालों से है, 1978 से इस्कॉन में, और एडवोकेट है। तो थोड़े एक वन वीक बैक, एक 10 दिन पहले उन्होंने शरीर त्यागा था। तो एक मेमोरियल प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें भक्ति रसामृत महाराज बोल रहे थे, ये महाप्रभु प्रभु के बारे में गुणगान कर रहे थे। तो खार स्टेशन, बॉम्बे में एक स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाके ये प्रभु जी प्रचार करते थे, लोगों को बोलते थे कि मेरे पास आओ, मेरे पास फॉर्मूला है, आपके जो धन है इनकम हो उसको डबल करूँगा तुरंत। तो क्राउड तैयार हो जाता था इनकम को डबल करने का फॉर्मूला। तो बोलते थे चार चीज़ करो आपका इनकम डबल होगा, वो क्या है, नो मीट ईटिंग, मांस मत खाओ, दूसरा दारू मत पियो, नो इंटॉक्सिकेशन, तीसरा अवैध स्त्री संग मत करो, नो इलिसिट सेक्स, एंड फोर्थ नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मत करो, यूथ क्रीड़ा मत करो। तो लोग सोच रहे थे ये चार चीज करने से इनकम डबल कैसे होगा, क्योंकि ये चार चीज करने से पैसा बचेगा, है कि नहीं। पैसा खर्च किस में होता है, फिजूल की चीज़ों में खर्च होता है, मांस खाने में, दारू पीने में, एंटरटेनमेंट में, ये सब पैसा खर्च होता है। तो उतना पैसा बचाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पैसा बचेगा, इनकम डबल होगा, है कि नहीं। तो बुद्धिमत्ता क्या है, मेहनत करके और ज़्यादा कमाना नहीं, जो ज़रूरत है उसको कम करो, ऑटोमेटिकली बहुत बचेगा, राइट। तो इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही प्रयास करो भौतिक रूप से। वन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल नीड्स, तो आर्टिफिशियल ज़रूरत बनाना नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आर्टिफिशियल नीड्स। और ये भौतिक दुनिया स्पेशली एडवर्टाइजमेंट यही करता है, आर्टिफिशियल नीड्स बनाता है। इसके बिना जी ही नहीं सकते, फ्रिज के बिना जी ही नहीं सकते, वॉशिंग मशीन के बिना जी ही नहीं सकते। अरे पहले तो लोग जीते थे इसके बिना, है कि नहीं, पर अभी हमने आर्टिफिशियल नीड्स बनाया है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, इंटरनेट के बिना हो ही नहीं सकता। वी हैव इंक्रीज्ड आर्टिफिशियल नीड्स, दैट विल हेल्प वन बी सैटिस्फाइड विद द मिनिमम। इसलिए जितना कम से कम भौतिक चीज़ों से संतुष्ट रहने का सीखना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आर्टिफिशियल नीड्स ऑफ लाइफ आर द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, द मॉडर्न एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ सिविलाइजेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ज़रूरतों को बढ़ाना मतलब इंद्रियों के ऊपर समाज चलाना, और आधुनिक समाज मतलब इंद्रियों का ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कैसे इंद्रियों को और एंटरटेनमेंट दे और संभोग दे, वही आर्टिफिशियल, वही आधुनिक समाज है, मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी। परफेक्ट सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ आत्मा और द सोल प्रॉपर। तो एक्चुअल सभ्यता का मतलब क्या है, आत्मा के स्तर पे जीना, शरीर के स्तर पे नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यता पशुभिर नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग पशु भी करते हैं, वो समाज तो पशु का भी है। इसलिए मनुष्य समाज किसके लिए है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म का पालन, आध्यात्मिक स्तर, आत्मा के स्तर पर रहने के लिए। द सिविलाइज मैन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑन इक्वल लेवल विथ एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स कैनॉट गो बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। तो जो आधुनिक समाज है वो पशुओं का समाज है, क्योंकि जो पशु कार्य करते हैं वही तो कर रहे हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, और अच्छे से कर रहे हैं बस उतना ही, पर पशु का ही समाज है। तो एक्चुअल समाज मतलब मनुष्य बनना, मनुष्य का शरीर पाके व्यक्ति सिर्फ मनुष्य नहीं होता, मनुष्य का शरीर पाके मनुष्य का कार्य करना, मनुष्य का शरीर पाके पशु का कार्य करेंगे तो ऐसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं, द्विपाद पशु, टू लेगेड एनिमल, सामान्य एतान पशुभिर नराणाम। तो जो पशु का कार्य करता है मनुष्य के शरीर में, ऐसा व्यक्ति पशु ही है। तो इसलिए हमको मनुष्य का कार्य करना है, और मनुष्य का कार्य मतलब आत्मा के स्तर पे जीना, भगवान की भक्ति करना। तो इसका आगे का भी तात्पर्य है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।